हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाखर, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। इकोनॉमी मतलब जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमी है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी किस तरीके से ग्रोथ या डिक्लाइंस रेशियो डिसाइड होता है, इस बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। इंटरनेशनल फाइनेंस स्टडीज के लिए मतलब लाइक जो जिस तरीके से डिसाइड की जाती है इकोनॉमी की ग्रोथ, किस तरीके से डिसाइड की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब आप रिलेटेड टू मनी काम करते हो, आप रिलेटेड टू मनी कमाना चाहते हो, तो ये मनी का फ्लो किस तरीके से होता है, ग्रोथ और डिक्लाइन किस तरीके से होती है, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी कौन से चीज़ों से स्टॉक मार्केट होने दीजिए या इन जनरल मार्केट में आती है, फाइनेंस रिलेटेड उसका किस कितना असर होता है, इन सारी बातों का एक एक सीक्रेट मैं रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे ही रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमी जो ब्रांच है वो किस तरीके से डिसाइड करती है, इंटरनेशनल फाइनेंस, फाइनेंशियल असेट, इंटरनेशनल अक्रॉस द बोर्ड्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस बिकम पॉसिबल टू अक्रॉस नेशंस ओनली ड्यू टू द इमरजेंसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये फर्स्ट पार्ट होता है, हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत सेकेंड पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल फैक्टर्स अक्रॉस द नेशंस ड्यू टू द एडवांस मतलब लाइक कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती है। देन फिर रैपिडली इंक्रीज हो जाता है इसमें फ्री फ्लो ऑफ गुड्स के बारे में, फिर सर्विसेज के बारे में, फिर कैपिटल, फिर लेबल, फिर फाइनेंस बिटवीन नेशंस एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत मैटर करता है। और जब इन सारी चीज़ों पे चर्चा हो जाती है ना, तब उसके बाद में इसका इसके ऊपर कितना अफेक्ट हो रहा है, इसका कैलकुलेशंस किया जाता है, फिर इसका होने वाले जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया तो करेंसी पे कितना असर इसके ऊपर हो रहा है, इस सारी चीज़ों का कैलकुलेशंस करके इंटरनेशनल इकोनॉमी एक शाखा है उसमें ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेशंस करके इंटरनेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ या डिक्लाइन ये डिक्लेयर किया जाता है। ये हो गया जिन लोगों को बहुत सारे पैसे कमाने, इन्हें इकोनॉमी के बारे में पता होना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं आज के मार्केट की। यस, आज का जो मार्केट है हम लोग देखते हैं, आज का मार्केट 90 पॉइंट निफ्टी प्लस है। मार्केट में काफ़ी सारी मूवमेंट आज हमने देखी है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आज हमने देखे हैं, और यस आज की स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आज जो ट्रेड किया है 250 क्वांटिटी डॉक्टर रेड्डी की 5190 पे खरीदी, 5207 पे मैंने इसे बेच भी दिया है। इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है 4375 पे। यस, साथ में एज अ सेफर साइड मैंने 8675 पे 125 क्वांटिटी पुट की भी खरीदी थी 4900 की, और 76 पे लॉस में मैंने इसे बेचा है 1287 रुपीस पे। बट देखिए, अगर अभी की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट नीचे आया है, मार्केट की मूवमेंट आपको पता नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसमें प्रॉफिट कैसे काउंट करते वो बहुत मैटर करता है। 4375 में मुझे प्रॉफिट हो गया एक ट्रेड में, और दूसरे ट्रेड में मुझे 1287 रुपीज़ का लॉस हो गया। देखिए, इकोनॉमिकली कैलकुलेशंस और स्टॉक मार्केट के कैलकुलेशंस कितने मैटर करते हैं। अब 4375 से मैंने 1287 रुपीज़ माइनस कर दिए, और 3087 रुपीज़ में घर पे लेके जाऊंगी। मैंने 250 क्वांटिटी फ्यूचर्स में की है और 125 क्वांटिटी मैंने ऑप्शन में की है। इसी तरीके से आप भी काम कर सकते हो और इसी तरीके से आप भी पैसे कमा सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। करेंसी के बारे में, मनी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जितना आप नॉलेज बढ़ाओगे, हाउ टू अर्न मनी उतना ही इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। टिल देन गाइस, यही थी आज की स्ट्रेटजी और ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।